हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर. वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स. इस लेक्चर में हम सेरिकल्चर, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक जिसको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के फॉर्मेट में काफ़ी बार पूछा गया है. सेरिकल्चर की अगर मैं बात करूं तो सेरिकल्चर के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा. ये जैसे कि आप देख रहे हैं, स्टार्ट करते हैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक से. जो जनरल टर्म्स हमने सुने होते हैं, जो जनरल चीज़ें हमने सुनी होती हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे एक पेड़ों का जो भी एक्स वाई जेड लीफ है, पत्ते हैं, वो दिख रहे हैं, जिसके ऊपर कुछ आपको आसपास अंडे दिख रहे होंगे. यहाँ पे अगर आप अप्रिशिएट कर पाएँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे अंडे हैं और उसमें से कुछ छोटे छोटे कीड़े, इंसेक्ट्स निकल के बाहर आ रहे हैं. अगर आप और ध्यान से देखोगे तो ये जो इंसेक्ट हैं, दे आर फीडिंग ऑन द लीफ. आप यहाँ पे देखिए, दे आर फीडिंग ऑन द लीफ, ऑन द लीफ, और वो लीफ को धीरे धीरे खा रहे हैं. और ये जो है, एक्चुअली में कुछ टाइम बाद जब वो डेवलप हो जाते हैं तो इस तरह से आपको कुछ एक बाय प्रोडक्ट मिलता है. इनकी जो भी प्रोसेस है, जो भी चीज़ें हैं, उसको हम अभी समझेंगे अच्छे से. और ये रहे वो इंसेक्ट जो एक मॉथ टाइप के फॉर्म में आ जाते हैं. तो ये कुछ आप इस बारे में देखा होगा. ये जो पेड़ है, ये जो पेड़ की पत्ती है, इसको हम मलबरी बोलते हैं. मलबरी आपने नाम सुना होगा, ठीक है. उनके ऊपर ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये फीड करता है और एक स्पेशल टाइप का कमर्शियल प्रोडक्ट बनाता है. और हमको सेरिकल्चर में, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया, ये एक्चुअली में कल्टीवेशन चलता है सेरिकल्चर. यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरह से पूरी चीज़ें, पत्तियाँ यहाँ पे जानबूझ के रखी जाती हैं, उनके ऊपर इनको कल्टिवेट किया जाता है और सिल्क बनाया जाता है. तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक. सेरिकल्चर काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है. स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, जो सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट होती है, द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम द सिल्क वर्म बाय रेयरिंग. रेयरिंग मतलब उनको अपने, कि जैसे एक बोलते नहीं, पालना, रखना, उस टाइप से. द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म बाय रेयरिंग प्रैक्टिसेस ऑन कमर्शियल स्केल, ठीक है ना. जो सिल्क हम निकाल रहे हैं उसको ऑब्वियस सी बात है, हम सेल करके अपना जो एक कमर्शियल बेनिफिट है उसको पूरा करेंगे. तो सिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम सिल्क वर्म इज कॉल्ड सेरिकल्चर. इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, सिल्क वर्म जो था वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था चाइना में बाय लॉर्ड जू एम्प्रेस ऑफ वांगटाई इन द ईयर 2697 BC, ठीक है ना. तो ये काफ़ी पुरानी बात है. इंडिया और चाइना की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ट्रेडिशनली रिलेटेड है सेरिकल्चर से. दोनों जगहों पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ये सेरिकल्चर प्रैक्टिस होती है. इवन जो मलबरी है या जिसको शहतूत आप बोलते हैं, तो ये प्लांट काफ़ी कॉमन है इंडिया में और सेरिकल्चर प्रैक्टिस भी काफ़ी सालों पुरानी है इंडिया की भी अगर मैं बात करूँ. इन इंडिया मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग सेंटर्स आर असम, बंगाल, मद्रास, पंजाब, कश्मीर एंड कर्नाटक. सिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया इज़ अबाउट 2969 tons per year. नाउ दिस डाटा इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, सो आप इस चीज़ को छोड़ सकते हैं. जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाटा है वो ये रहा, इंडिया जो है थर्ड रैंक पे है वर्ल्ड वाइड इन सेरिकल्चर या सिल्क प्रोडक्शन, ठीक है ना. इंडिया की अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ तो थर्ड नंबर पे है. इसमें भी इंडिया में जो स्टेट सबसे ज़्यादा टॉप पे है, दैट इज़ कर्नाटक. कर्नाटक में मैसूर जो है वो टॉप पे है इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उनमें सबसे ज़्यादा सिल्क कल्टीवेशन यहीं पे होता है, ठीक है. बात आती है क्वेश्चंस की, क्योंकि हम सब कुछ याद रखें वो ज़्यादा बेटर नहीं होगा. फॉर एग्जांपल, मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं मानता कि किसने इसको ढूंढा था, इसका हिस्ट्री क्या है. जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लाइन है, वो ये है, और ये कुछ एग्ज़ाम्स में पूछी गई है. जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जब आप पढ़ते हो ये सब चीज़ें, तो आपसे पहले एम्स में क्वेश्चन आते थे, तो एम्स के क्वेश्चन में ये चीज़ें इंक्लूडेड आती थी. हाँ, नीट के हिसाब से नॉट सो इम्पॉर्टेंट, अभी तक उतना नहीं इसमें नीट ने इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन एम्स का इंटरेस्ट हमेशा से था. तो जो बच्चे एम्स के लिए स्पेशली तैयारी करते हैं वो इस चीज़ को ध्यान रखें कि इस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, बाकियों से उतना ज़्यादा नहीं बन सकता, ठीक है. नेक्स्ट, आपने ये डायग्राम देखा ही होगा. नेक्स्ट, आपने देखा होगा कि किस तरह से ये एक, मान लीजिए एक एरिया है जहाँ पे पूरे जो शहतूत की पत्तियाँ हैं, मलबरी प्लांट है, उसकी लीव्स हैं, उनको पूरा फैला देते हैं और उनके ऊपर लैक ये जो इंसेक्ट है, सॉरी सिल्कवर्म, उसको रख देते हैं और उससे सिल्क ऑब्टेन करते हैं. तो ये काफ़ी अच्छा टेक्निक है, काफ़ी ओल्डेस्ट टेक्निक है.
ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क ये पूछा जा सकता है, इनके बारे में वैरायटी कितनी होती हैं, कौन सा क्या होता है। जैसे मलबरी सिल्क वॉर्म मोस्ट कॉमन बॉम्बिक स्मोराई, आपने नाम भी सुना होगा, फीड्स ऑन मलबरी एंड मलबरी सिल्क, ठीक है ना, मलबरी सिल्क वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। टसार सिल्क वॉर्म, हाँ इसका नाम आपने सेकंड नंबर पे ही सुना होगा। वैसे सबसे ज़्यादा जो नाम फेमस चलता है वो मलबरी सिल्क वॉर्म या बॉम्बिक्स मोराई के नाम से चलता है और इसी को पढ़ाया जाता है। टसार सिल्क वॉर्म की अगर मैं बात करूँ, फीड्स ऑन ओक प्लांट और इसको टसार सिल्क प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट वन इज एरी और अरुंडी सिल्क वॉर्म, जो फीड्स ऑन कैस्टर प्लांट एंड एरी सिल्क प्रोड्यूस करता है। लास्ट वन इज मीना सिल्क वॉर्म, मीना सिल्क वॉर्म ओक पे एंड अदर फॉरेस्ट ट्री पे फीड करता है, जैसे कि मूगा सिल्क वो प्रोड्यूस करता है। नाउ अगर मैं बात करूं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो यहां से बॉम्बिक्स मोराई से क्वेश्चन बन सकता है। आपने देखा भी होगा बॉम्बिक्स मोराई से एक दो क्वेश्चंस देखे होंगे आपने, बाकी उसके अलावा यहां से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। सिल्क फाइबर है क्या एक्चुअली में? ये प्रोटीन प्रोड्यूस फ्रॉम सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क वॉर्म, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एक्चुअली में सिल्क फाइबर क्या है? सिल्क फाइबर एक प्रोटीन है जो कि सिल्क ग्लैंड जो होता है इनमें सिल्क वर्म्स में वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये प्रोटीन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो जब हमारे क्वेश्चन आते हैं बायोमोलिक्यूल से पूछा जाता है कि कॉटन क्या है, कॉटन का मैक्सिमम परसेंटेज क्या होता है, तो अभी रीसेंट ईयर में क्वेश्चन आया, आपने शायद देखा होगा नीट का क्वेश्चन, रीसेंट पूछा गया है कि 90% ऑफ कॉटन क्या होता है, दैट इज सेल्यूलोज। ऐसे ही यहीं पे ही ये पूछ सकते हैं कि सिल्क का ओरिजिनल कंटेंट क्या है, मेनली क्या कंसिस्ट करता है, दैट इज प्रोटीन। तो ये याद होना चाहिए। इंडिया द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हैविंग ऑल फोर वेराइटी ऑफ सिल्क, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, बॉम्बिक्स मोराई और उसके बाद ये लाइन, इस पे बल्कि मैं स्टार लगाना चाहूँगा कि सारी की सारी वेराइटीज इंडिया में प्रेजेंट हैं। देर सवेर ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो एटलीस्ट याद करना इतना टफ नहीं है, नाम ना याद हो ठीक है एक बार को, लेकिन ये याद रखना कि इंडिया में सारी की सारी सिल्क की वेराइटीज प्रेजेंट है, लेकिन स्टिल चौथे नंबर पे है, सॉरी तीसरे नंबर पे, फिर भी देख रहे हो। तो आई होप सिल्क वर्म के बारे में इतनी नॉलेज आपके लिए इनफ होगी, और उसके अलावा ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना भी नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ आया, तो इसको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।